नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए, आप सभी देख रहे हैं सुबह सवेरे बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। और सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे बैठक, जहां कई विभागों की समीक्षा बैठक आज वो करने वाले हैं। मंत्रालय में अहम बैठक आज होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक करने वाले हैं। सभी विभागों को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के चक्कर में बैठकें कम हो रही हैं, मंत्रालय की ये बैठक है, अहम बैठक मानी जा रही है। सभी मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया जाएगा और सभी विभागों की समीक्षा बैठक आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बैठक लेने वाले हैं। आपको बता दें मंत्रालय में ये बैठक होगी और सभी विभागों की ये बैठक होने जा रही है। इधर मध्य प्रदेश में मतदान के बाद अब परिणाम का इंतजार है। सभी की निगाहें 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। प्रदेश में 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां किसी की भी हार जीत हो सकती है। यहां नए सांसद मिलेंगे या पुराने ही सांसद आएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने उतारे 17 नए चेहरे, 11 सीटों पर भाजपा के नए कैंडिडेट, चुनाव में हारे जीते कोई भी, 9 नए सांसद मिलेंगे। फिर भी 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी तो मध्य प्रदेश के नतीजों पर सबकी नजर होगी। यहां 29 सीटों में 9 सीटें ऐसी हैं जहां हारे जीते कोई भी, लेकिन प्रदेश को नए सांसद चेहरे ही मिलेंगे। आइए बारी बारी से इन लोकसभा सीटों के बारे में जानते हैं, यहां कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है। मुरैना में भाजपा से शिव मंगल सिंह तोमर और कांग्रेस से सत्यपाल सिकरवार मैदान में हैं। दोनों पूर्व विधायक हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट का यही हाल है, यहां बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस से प्रवीण पाठक के बीच मुकाबला है। दोनों पूर्व विधायक हैं। सागर में बीजेपी ने महिला कार्ड खेला, यहां लता वानखेड़े लोकसभा उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस से गुड्डू राजा बुंदेला प्रत्याशी हैं। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी से आलोक शर्मा और कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव के बीच टक्कर है। दमोह सीट से राहुल सिंह लोधी भाजपा कैंडिडेट हैं, तो वहीं कांग्रेस ने तरबर लोधी को उम्मीदवार बनाया है। जबलपुर की बात करें तो यहां बीजेपी ने आशीष दुबे को चुनाव में उतारा, कांग्रेस ने दिनेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। बालाघाट में भाजपा ने मौजूदा सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर भारती पारधी को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सीधी लोकसभा सीट में दोनों पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने डॉक्टर राजेश मिश्रा पर भरोसा जताया, तो कांग्रेस कमलेश्वर पटेल पर दांव खेल रही है। होशंगाबाद लोकसभा सीट पर भी दोनों प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां बीजेपी से दर्शन सिंह चौधरी कैंडिडेट हैं, तो वहीं कांग्रेस से संजय शर्मा चुनावी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से, जहां बरूदिया नौनागिर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। गांव का दौरा करेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात, सुबह 9 बजे खुरई के लिए होंगे रवाना। तो एक युवक की हत्या का ये पूरा मामला है, जहां पीसीसी पटवारी जीतू पटवारी आपको बता दें आज दौरा भी करने वाले। बरोदिया नौनागिर में युवक की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, गांव का दौरा करेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और आपको बता दें पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, सुबह 9 बजे खुरई के लिए आज रवाना होंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता इमरती देवी और मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद किए गए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने इमरती देवी और मध्य प्रदेश शासन से पूछा कि पटवारी पर आरोप लगाने का आधार क्या है। दरअसल इमरती का रस खत्म हो गया है। बयान पर पीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में धारा 509 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी एफआईआर को रद्द करने के लिए पटवारी ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी। हाईकोर्ट ने पटवारी को यह राहत भी दी है कि यदि उनके खिलाफ एफआईआर या गिरफ्तारी जैसी कोई बात आती है तो वे तत्काल कोर्ट की शरण में आ सकते हैं। अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। इधर जबलपुर में जिला प्रशासन ने मनमानी राशि वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने स्कूलों पर 22 लाख की पेनल्टी लगाई है। साथ ही स्कूल प्रबंधन से जुड़े 51 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई, 22 लाख की लगाई पेनल्टी, अभिभावकों को लौटाए 81.30 करोड़ रूपए। जबलपुर में 51 पर एफआईआर, कई अरेस्ट। अभिभावकों से मनमानी राशि वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ जबलपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों को 81.30 करोड़ रुपए की फीस वापस कराई है। यही नहीं, स्कूलों पर 22 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। वहीं 51 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें स्कूलों के चेयरमैन, प्राचार्य, सीईओ, मैनेजर, सदस्य, एडवाइजर समेत 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हमने काफी विचार किया, पुलिस के साथ हमारे काफी विचार हुआ है, जो लीगल समझते हैं उनके साथ विचार हुआ और हम लोगों ने ये माना कि इसमें जो है क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस आपका जो इंटेंशन है वो अनुचित रूप से लाभ कमाने का है, दूसरे लोगों को अनुचित रूप से क्षति का क्रिमिनल इंटेंशन के साथ। फिर पाठ्य पुस्तक को स्टेशनरी में भी सीता लगता है, आप जरूर से ज्यादा किताबों को शामिल करते हो बिना किसी बंदे के शामिल करते, मनमाने तरीके से नई किताबों को शामिल करते हो, कोई एक्सपर्ट की राय नहीं, कोई टीचर की राय नहीं, फर्जी आईडी देने वाली किताबों को आप शामिल करते हो, जिन किताबों को आप शामिल करते हो उनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे, केवल कुछ खास लोगों के साथ ही आप साझा करते हो और इस प्रकार आप पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके कमीशन को भी करते। तो हमने पाया कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का जो पूरा तथ्य है, चाहे फीस के मामले में हो, चाहे किताबों के सिलेक्शन के मामले में हो, इन दोनों ही मामले में बहुत गैप शेयर है और इसमें आपराधिक प्रकृति पूरी है। दरअसल नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद 1 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के निर्देश दिए थे। इस पर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अप्रैल 2018 से अप्रैल 2024 तक अभिभावकों से वसूली गई फीस की जांच कराई थी। 11 स्कूलों की जांच में फीस, बस्ते और ड्रेस में 4 करोड़ से ज्यादा की कमीशन खोरी उजागर हुई है। बस्ते का कुल वजन भी बढ़ा हुआ मिला था। जांच में ये भी सामने आया है कि फर्जी और डुप्लीकेट पुस्तकों, नई किताबों को सिलेबस में शामिल कराकर बस्तों का बोझ बढ़ाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजय साहू, INH 24/7, जबलपुर। इधर भोपाल में मिड डे मील मामले में INH 24/7 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मिड डे मील में भ्रष्टाचार की खबर दिखाए जाने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मामले को संज्ञान में लिया है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की संकेत दिए हैं। दरअसल INH 24/7 ने कागजों के साथ खुलासा किया था कि छुट्टियों के बाद स्कूलों में मिड डे मील की एंट्री की जा रही थी। छुट्टी के दिन भी बच्चों को खाना खिलाने की एंट्री हो रही थी, जिस INH 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। वहीं मिड डे मील मामले में गुना के एक शिक्षक को सस्पेंड भी कर दिया गया है।
इधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इन जिलों में अब आगरमालवा का नाम भी शामिल हो गया है। ग्रीष्म अवकाश के दौरान भी जिले के दो शालाओं के प्रभारियों ने एएमएस पोर्टल पर मिड डे मील की जानकारी अपलोड कर दी, जबकि छुट्टियों के दौरान स्कूल ही बंद है तो बच्चों को मिड डे मील कैसे दिया गया। सरकार ने ग्रीष्म अवकाश के दौरान स्कूलों में मिड डे मील वितरित नहीं किए जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के समन्वयक ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की और संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब बात ग्वालियर की, जहां अब ग्वालियर में शिक्षक भिखारियों की तलाश करेंगे। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने भिखारियों को ढूंढने की जिम्मेदारियां अब शिक्षकों को सौंप दी है। विभाग के इस फरमान को लेकर शिक्षक बेहद नाराज भी है। आदेश में महिला बाल विकास विभाग के विशेष अभियान का हवाला दिया गया है और सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के साथ ही मुख्य धारा में लाने की बात कही गई है। इस आदेश में हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ प्रिंसिपल और कर्मचारी समेत 16 नाम शामिल हैं। शिक्षक संगठनों ने इस आदेश को लेकर नाराजगी जाहिर की। उनके मुताबिक गैर शैक्षणिक कार्यों में भी शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश की शिक्षा विभाग लगातार अनदेखी कर रहा है। इधर मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इंदौर में 3 घंटे में 51 लाख पौधे लगाकर हम इतिहास रचेंगे, यही प्रकृति की सच्ची सेवा होगी। उन्होंने कहा कि कुछ दशक पहले हमारी धरती हरी भरी थी, समय पर बरसात, गर्मी और ठंड का एहसास भी था, लेकिन आज वृक्षों के आभूषण से धरती माँ विहीन होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते जल स्तर तेजी से नीचे आ रहा है। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि हरियाली खत्म होने से भीषण गर्मी और अनेक लाइलाज बीमारियां फैलने लगी हैं। इंदौर भी उस जलन से बचा नहीं है, 42 डिग्री तापमान है, पर इंदौर से 7 किलोमीटर दूर पितृ पर्वत पर यह टेम्परेचर कम है, इसलिए कि यहाँ 3 लाख पेड़ है और यहाँ पोल्यूशन कम है, यहाँ ऑक्सीजन बहुत पवित्र है और इसलिए यहाँ पर मजा भी आता है। हनुमान जी तो है ही, पर प्रकृति भी बहुत जरूरी है। इंदौर जिस प्रकार जल रहा है, हम उसकी आग को ठंडी कर सकते हैं एक पेड़ लगाकर। आने वाले दिनों में हम 51 लाख पेड़ एक दिन में कुछ घंटों में लगाएंगे, ये रिकॉर्ड बनाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जुलाई के महीने में कमर कसें, हर व्यक्ति 10-10 कम से कम पेड़ लगाए। हम 51 लाख पेड़ लगाकर इंदौर में कीर्तिमान 3 घंटे में लगाकर कायम करेंगे। आपका सहयोग, आपकी अपेक्षा और आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए हम दे सकें अच्छा वातावरण, इसके लिए आप तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इधर तेज तापमान के साथ मौसम परिवर्तन व बारिश के चलते बालाघाट जिले के वनांचल क्षेत्रों में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। वनग्राम सर्रा में हालत बिगड़ रही है और इस गांव के हर एक घर में मरीज भी पाया जा रहा है। बढ़ रहे मलेरिया के प्रकोप पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मौसम परिवर्तन के कारण बालाघाट जिले के वन ग्रामों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। वन ग्राम सर्रा के हर घर में मरीज हैं। सरकारी स्तर पर इलाज न मिल पाने के कारण वन ग्रामवासी निजी चिकित्सकों से इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। 28 परिवार हैं सर। अच्छा, मतलब सर 28 परिवार हर घर में मरीज है क्या? हाँ सर, हर घर में था सर, पर अभी ठीक हो गए हैं। बाकी अभी ठीक हो गए हैं, 3 बाकी बचे हैं। बच्चे लोग 3 बच्चे हैं। हाँ, 3 बच्चे। बड़े बुजुर्ग कितने हैं? बड़े लोग, हाँ, बड़े लोग ठीक हो गए सर। वो 12 थे तो ठीक हो गए, वो 12 इलाज कराए बाहर जाके। कहीं अभी यहाँ आंगनबाड़ी में दवा मिला था किट, वो किट खाए कोई। तो ये कैसे क्यों हो जा रही तबीयत खराब आप लोगों की? मलेरिया मच्छर के कारण। अच्छा, मच्छर के कारण। मच्छरदानी मिली होगी ना आप लोगों को? नहीं मिले। आप लोगों को नहीं मिली? एक मिले हैं। अच्छा, एक परिवार में एक मिली है? अभी तो महीना डेढ़ महीना हो रहा है मलेरिया चल रहा है। अच्छा,
प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराते हैं, अभी क्या करें। कितने लोग बीमार होंगे गांव के? गांव में तो कई पड़े हैं अभी, उधर नीचे अब कौन घूमता है घर घर। तो मतलब हर घर में मलेरिया है क्या? हाँ। तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आती जांच करने? आती है, लेकिन वही है महीना 15 में उसको फोन लगाओ। हाँ। जब आएंगे वो। वन ग्राम सर्रा में बैगा समुदाय की एक छोटी आबादी निवास करती है। हालांकि हालात बिगड़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए हैं और मलेरिया विभाग के अधिकारियों की टीम वन ग्राम में सर्वे का काम कर रही है। होता यह है कि जब टीम जाती है तो सभी ग्रामीण में क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसा है कि जंगलों में चले जाते हैं, कुछ ऐसा है खेतों पे चले जाते हैं, तो सभी एक साथ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग छूट गए हों जिनकी जांच न हो पाई हो। तो पुनः मैंने टीम को निर्देशित किया है, मेरे पास जैसे कॉल आया था, पुनः टीम को निर्देशित किया है कि वो जाकर के पुनः एक विजिट करें और यदि कोई ऐसे पॉजिटिव प्रकरण पाए जा रहे हैं तो उनको मेडिसिन उपलब्ध करें। बालाघाट जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। तेज गर्मी और फिर बारिश से मलेरिया का रोकथाम नहीं हो पा रहा है। आईएनएस 24/7 के लिए बालाघाट से राहुल टेम्भरे की रिपोर्ट। इधर रेत माफिया के खिलाफ मुरैना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पिछले दिनों अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर से कुचलकर एक शिक्षक की मौत का मामला सामने आया था और जिस पर कार्रवाई करने की बड़ी संख्या में पुलिस आरोपी के गाँव पहुंची और बुलडोजर की मदद से आरोपी के घर को धराशाही कर दिया गया। वहीं पुलिस ने हत्या में उपयोग किए जाने वाला ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया है। एक बड़ी दुखद घटना थी समाज में। ये जो है एक महेश गुर्जर है, रेत माफिया है। चंबल रेत का अवैध उत्खनन इसके द्वारा किया गया था और उसी उत्खनन के जो शामिल उसका जो ट्रैक्टर था उस ट्रैक्टर से एक व्यक्ति की जो है जघन्य तरीके से उसका एक्सीडेंट किया गया और एक्सीडेंट करने के बाद इस ट्रैक्टर के को भी अपने कुछ साथियों के साथ मौके से जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों को दोनों को भगा के ले गया और पिता गंभीर रूप से घायल था। उसी उतारतम में जो है वो आज तक फरार है और आज जो है हमारे नायब तहसीलदार साहब के नेतृत्व में जो अवैध मकान का जो निर्माण किया गया था इसका जो है जो आपके सामने बुलडोजर चल रहा है ये उसी के तहत जो कार्रवाई है। इधर गुना जिले की बमोरी विधानसभा के कई गांवों में इन दिनों जल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि भरी दोपहरी में महिलाओं और बुजुर्गों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि पानी टैंकर भी रोज की बजाय 2 से 3 दिन में एक बार पहुंच रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। जिले में बमोरी विधानसभा के एक दर्जन से ज्यादा गांवों में जल संकट है। भिंडरा गांव में लोग भरी दोपहरी में टैंकर से पानी भरते नजर आते हैं, लेकिन एक टैंकर पूरे गांव के लिए पर्याप्त नहीं होता। नतीजा ये होता है कि इंतजार में बर्तनों की लाइन लग जाती है, साथ ही महिलाएं 2-3 किलोमीटर चलकर पानी लाती हैं। 3 किलोमीटर से रहा है, पानी पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी नहीं है। अन्य गांव कपासी की बात करें तो स्थिति ये है कि एक ट्यूबवेल है जहाँ से पानी भरने के लिए 2 से 3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ पर 4 बोर थे जिसमें से 3 सूख गए, एक बचा है उससे भी पानी कम निकलता है। किसान जिस ट्रैक्टर से अपना अनाज बेचने जाता है उस ट्रैक्टर की ट्रॉली में तिरपाल लगाकर 5 किलोमीटर दूर के खेत पर से पानी भरकर लाते हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर ऐसी ही हालत रही तो उन्हें यहां से पलायन करना पड़ेगा। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है गांव में। कहां से पानी की व्यवस्था? खेतों में से पानी ला रहे हैं, बहुत दूर से पानी ला रहे हैं, 5-6 किलोमीटर से। ट्रॉली में तिरपाल बिछा के ला रहे हैं, 4-5 दिन चलता है पानी, लेकिन ये खेत वाले बोर बंद हो जाएंगे फिर कहाँ से लाएंगे, फिर बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। गांव में नल जल योजना के तहत नल लगे हुए हैं, लेकिन उनसे पानी नहीं आता। सरपंचों का कहना है कि सब जगह आवेदन लगाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इस बारे में जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। जिनमें राइजर पाइप बनने थे, हैंडपंप में राइजर पाइप बढ़ाए हैं। सरपंचों को जहाँ पे जल स्तर नीचे चला गया है वहाँ पे यानी कि सिंगल फेज मोटर PTS देके वहाँ पर सिंगल फेस मोटर डलवा दी है। कई जगह जो है प्राइवेट स्रोत से भी जो है ना उनसे मुलाकात करके प्राइवेट लोगों से वहाँ पर भी यानी कि पेयजल व्यवस्था गांव तक ला के
ग्राम पंचायत के माध्यम से की जा रही है। स्थानीय विधायक का कहना है कि शासन की नल जल योजना ठप है, हर घर में नल लगा दिए गए हैं लेकिन उनमें पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और अधिकारियों को यह कहकर बोर करवाया जा रहा है। अगर आप बात करें नल जल योजना की तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां नल जल योजना पूरी तरीके से फेल है। गाँव में नल जल योजना बन गई है, उसमें से आधे गांव में पानी जा रहा है, आधे गांव में पानी नहीं जा रहा। ठेकेदार की कोई बोरिंग मशीन होती है, रोज संपर्क में अधिकारी भी जैसे करके भी बोर को कराएंगे। एक तरफ पारा चढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर इलाके के गांव में जल संकट गहराता जा रहा है, जिम्मेदार पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण अपने लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए मजबूर हैं। विनोद कुशवाहा, INH 24/7, गुना। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की खबरें।